ये देखो भाई आंखों में लगा के, और पीछे और लगा नहीं, एक बार गाड़ी में भी दिखा दिया, कोई बैठा ना हो, कदे नु सोचा कोई एक भाई गाड़ी किसी प्रकार का चल रही हो, खाली है गाड़ी, कोई नहीं बैठा उसमें। गाड़ी देख लो, आंखों के द्वारा गाड़ी खींच दी है पहलवान विजेंद्र सिंह ने, अरुण लगा नहीं अल्टो गाड़ी देख लो। यो भाई कोई कर पटराई ना करिए, एक बार क्लोज से दिखा दो। पूरी डाइट मेरे को नहीं मिल रही, और सरकार प्रशासन ने मतलब कार्यक्रम तो देखे हैं, पर किसी तरह की कोई हेल्प वाली पोजीशन नहीं आई है, ना ही किसी कोई संगठन है, कोई और संस्था है उसने, अगर जो जरा सी हेल्प मेरे को मिल जाए। हरियाणा सरकार ने आज तक इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक मैं बना चुका हूँ, 300 रिकॉर्ड मैंने अपने नाम दर्ज कर लिए हैं, जो कि अभी मतलब दर्ज होने हैं वो, क्योंकि रिकॉर्ड बनाएंगे तो उसकी फीस बहुत ज्यादा हो जाती है सर, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हम बना रहे हैं। भाई सोशल मीडिया के इतिहास में पहली बार ऐसी वीडियो देखने मिलेगी यार, लाइव था वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता दिखाओगे। आंखों से जो है 10 किलो वजन पहले ही पहलवान विजेंद्र सिंह उठा चुके हैं, और हरियाणा के स्टील मैन इन्हें कहा जाता है, और भाई देसी खाना इनका, वो क्या निकला गामा वाले झोटे, तो गामा वाले झोटे हैं, अरे ओरिजिनल भाई खाना है इनका देख लो, और गाड़ी खींचे फिलहाल आंखा में एक हाल का, बहुत रिस्क का काम है भाई, कोई भी आप वीडियो देख रहे हो ट्राई ना करियो, इसी चीज़ बहुत खतरनाक है, लेकिन इन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद अपने आप को इस काबिल बनाया है। देख लो भाई लाइव करके दिखाऊंगे, पहली बार ऐसी कोई वीडियो देखेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाओगा आज, थोड़ा क्लोज से दिखा दे भाई, ये देखो भाई आंखों में लगा के, और पीछे और लगा नहीं, एक बार गाड़ी में भी दिखा दिया, कोई बैठा ना हो, कदे नू सोचा कोई एक भाई गाड़ी किसी प्रकार का चल रही हो, खाली है गाड़ी, कोई नहीं बैठा उसमें। लो भाई यह चीज सुनने में बहुत भाई नू लग रही है हैरानी भरी, लेकिन पहलवान विजेंद्र सिंह जी ने मुमकिन करके दिखाओगे। अच्छा और भाई जिस स्कूल में इस टाइम मौजूद है, शिवम सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्कूल निगाह में मौजूद है, और इनके डायरेक्टर जी हैं ईशांतवर जी, वो भी पहुंच चुके हैं, निशांतवर ईशांतवर जी पहुंच चुके हैं, और प्रिंसिपल भी मौजूद है भाई सारे मतलब, और नारकोटिक्स हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी अब मौजूद है। लाइव करा जाओगा यसीन भाई थारे आगे, बच्चों का जोश देखने वाला ही है भाई, देख लो एक बार दिखा दो बालका ने, और ही निकाई वर्ल्ड रिकॉर्ड है पहले भाई आंखों से 10 किलो वजन उठाया था, वो वीडियो तो हमने देखी भी होगी जरूर, और आज जो है आल्टो गाड़ी है या इसने खींचेंगे आंखों के साथ है। और शिवम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो डायरेक्टर है वो हमारे साथ मौजूद है, राम राम जी। राम राम भाई साहब, राम राम। क्या कहना चाहोगे, आपके स्कूल में आज इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओगे जो पहलवान विजेंद्र सिंह, अविश्वसनीय और अद्भुत बात है हमारे लिए, हमारे स्कूल के लिए। इस पे जब इन्होंने मुझे बताया था कि मैं ये करने वाला हूँ, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी कोई इंसान कर सकता है। बिल्कुल, तो आज हम इस चीज़ के प्रत्यक्ष गवाह बनने वाले हैं कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है कैसा रहता है देखते हैं। स्कूल के युवाओं पे भी असर पड़ेगा नशे को लेकर, नशे खिलाफ। वैसे तो हमारे टीचर्स हमेशा बताते ही रहते हैं बच्चों को कि नशे से दूर रहिए, अपने जंक फूड से दूर रहिए, गांव में होने के नाते बच्चे इससे दूर भी हैं ज़्यादातर, तो अभी तक इस लपेट में नहीं आए हैं। जी जी। लेकिन मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि ये नशा जो है आपके शरीर को ख़राब करता है, समाज को ख़राब करता है, इससे जितना हो सके दूर रहिए, तभी आप अपने समाज का भला कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, नशा करना है तो ऐसे जो जैसी चीज़ें हैं उनका नशा करो, और जो देखिए नशा करना है तो देशभक्ति का कीजिए। सही बात है, ठीक है। फिलहाल प्रिंसिपल भी हमारे साथ मौजूद है, संजय शर्मा जी। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। आपके कहना चाहोगे इतना अच्छा कार्य आपके स्कूल में हो रहा है? देखो स्टील मैन विजेंद्र जी ने जो आज करके दिखाया है, और मैंने इनके जो कारनामे हैं और जो कर रहे हैं ये पहली बार देखे हैं ये, तो मेरा तो यही कहना है कि हरियाणा सरकार व भारत सरकार ने जिन्होंने नशा मुक्ति के लिए इन्होंने अपना सारा जीवन इन सब चीज़ों में शिक्षण संस्थाओं में ऐसे करते करते दिखा दिया है, तो उन्होंने इसके बारे में हरियाणा सरकार व भारत सरकार ने इनको बड़ा पद देना चाहिए इनको। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ा सवाल जो प्रिंसिपल है संजय शर्मा जी ने उन्होंने उठाया है, कि इनके सवाल तो जो हरियाणा के सिलेक्शन के टाइम जो क्वेश्चन आते हैं उनमें इनके सवाल भी आ चुके हैं, और इतना काम ये हरियाणा के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज तक हरियाणा सरकार ने ना तो इनको कोई गवर्नमेंट जॉब दी है, तो मैं तो कहूँगा इनकी तरफ ध्यान दिया जाए, कुछ ना कुछ इन्हें बढ़िया पद दिया जाए। ये अच्छा सवाल आपने उठाया है जी, बहुत ज़रूरी है इनके लिए जी, कि उन्होंने अपना सारा जीवन है इन सब चीज़ों के अंदर लगभग ही पूरा कर दिया है, और इनके पास में इनकम किसी प्रकार के नहीं है, अपने खर्चे से सब कुछ काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छी शिक्षाएं, पेड़ लगाओ, जंक फूड, नशा मुक्ति, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी अच्छी शिक्षा का ब्रांड एम्बेसडर बना के हरियाणा सरकार रिप्रेजेंट कर सकती है कि आप नशा मुक्त रहेंगे तो आपके शरीर भी ऐसा बन सकता है। कारनामा देख रहे हो, गाड़ी देख लो, आंखों के द्वारा गाड़ी खींच दी है पहलवान विजेंद्र सिंह ने,
अरुण लेकर अल्टो गाड़ी देख लो। यो भाई कोई घर पर ट्राई ना करिए, एक बार क्लोज से दिखा दो, दूर से दिखा, एक बार थोड़ा सा देख लो गाड़ी, कोई नहीं है गाड़ी में फिलहाल, देख लो एक बार, उठ जाओ भाई यहाँ से। और पहली बार ऐसा भाई देख लो, इतना खतरनाक स्टंट स्टील मैन जो है पहलवान विजेंद्र सिंह जो काम कर रहे हैं, आंखों के द्वारा इतनी बड़ी गाड़ी जो है खींच दी है इन्होंने। और देखो भाई बिल्कुल सही हो, हाँ बिल्कुल फिट हूँ, मतलब यह सुनना पॉसिबल, मतलब दिखने में भाई नू लग रही थी पॉसिबल नहीं है चीज, लेकिन इन्होंने कर दिया है काम, अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत, अविश्वसनीय है। कितने सालों की मेहनत है जी आपकी? हाँ, देखो सर छठी क्लास से लगा था स्पोर्ट्स में, हाँ। और अभी फिलहाल तो ये स्थिति है जैसे सर ने बताई कि ये मतलब पूरी डाइट मेरे को नहीं मिल रही, और सरकार प्रशासन ने मतलब कार्यक्रम तो देखे हैं पर किसी तरह की कोई हेल्प वाली पोजीशन नहीं आई है, ना ही किसी कोई संगठन है, कोई और संस्था है उसने, अगर जो जरा सी हेल्प मेरे को मिल जाए तो मैं इस अपने हरियाणा क्षेत्र का नाम बहुत दूर तक ले जाना चाह रहा हूँ, और नशे को जंक फूड को इसको हमेशा के लिए ख़त्म करना चाह रहा हूँ, और बच्चों के अंदर जैसे सेल्फ डिफेंस है, योगा है, और तरह की जो बहुत सारी जो ट्रेनिंग है वो मैं देता हूँ। मेरे पास कोई ऐसा सेंटर नहीं है क्योंकि जी मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरी जॉब चली गई थी हरियाणा ये कोविड में, और अभी स्थिति ये है कि घरवाली जो है सिलाई करती हैं, काफ़ी सारे मीडिया वाले क्वेश्चन उठाते हैं, और दूध और जो डाइट की बात करें तो पूरी डाइट भी नहीं मिल रही, पूरी डाइट भी नहीं मिल रही है जैसे अभी, और अगर तो पूरी डाइट मिलती तो मैं बहुत कुछ कर सकूँ, अब तो मैं नॉर्मल जैसे जो खाना मिलता है आम घरों में, अपना रोटी चपाती लस्सी मिल गई कभी, क्योंकि आज तो भैंस भी कोनी सर, तो मतलब नॉर्मल है बिल्कुल, अगर जो कोई थोड़ी ही साथ दे कोई सरकार या प्रशासन की तरफ से या कोई और संस्था, अभी तो मैं अपने बलबूते पर चल रहा हूँ, और जितना भी जो पैसा है इन्वेस्टमेंट हो रहा है सारा अपने इस पर ही खर्चे पर हो रहा है, अभी घरवाली जो सिलाई कर रही है, मतलब बच्चे दोनों जो है सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब स्थिति नाजुक है, मैं अपने मुंह से नहीं कहना सर, पर बाकी आप मेरी मेरे आप रिकॉर्ड देख सको हो, मैंने क्या काम किया है, मेरी जितनी भी अचीवमेंट है। लो भाई ऊपर तक गाड़ी गुजार ली, आंखा तक गाड़ी खींच ली है, तब दर्द नहीं हुआ, लेकिन पहलवाना की आंखों में दर्द दिख रहा है, क्यों भाई? हरियाणा सरकार ने आज तक इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, पाछे सी मुख्यमंत्री की एक भाई जो तस्वीर वायरल हुई थी कि स्टेज पर चढ़ के एक लड़के का हाथ उठा रहे थे जो कोई स्टेज शो वगैरह जीत कहा था, लेकिन ऐसा काम उस लड़के ने नहीं किया था, तो मुख्यमंत्री जी तय बात कहूँगा कि इनकी तरफ भी ध्यान दो, जो इतना काम लगातार कर रहे हैं, 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, नशे ने लेकर इतनी मुहिम छेड़ रखी है, क्या कहना चाहोगे जी? ना नौकरी है, ना इतनी बड़ी डाइट चाहिए, आप ना चाहिए हो, किसी प्रकार का कोई काम आप करते नहीं हो, तो सरकार ने ध्यान देना चाहिए। जल संरक्षण के लिए काम किया है, पेड़ पौधों के लिए काम किया है, और मैं तो प्रशासन को दिखा भी चुका हूँ सारी अचीवमेंट मेरी जितनी है, मतलब एक जैसे स्कूलों में PDF फाइल वगैरह चला गए, मतलब कि मीडिया वाले आते हैं तो 3 दिन लग जाते हैं जी, अचीवमेंट इतनी है आप देख सको हो, मैं ऐसे गड़िंग नहीं आ गया, और दर्शकों से अगर जो बात की जाए तो बहुत सारे दर्शक हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, और मेरे अभियान से स्कूल कॉलेजों के बच्चे अभियान से जुड़े, जिन्होंने जो है नशा छोड़ दिया, जंक फूड छोड़ा, फास्ट फूड छोड़ा, ये मैं नहीं कह रहा जी, वहाँ के जो है लोग कह रहे हैं, अब भी हमारे क्षेत्र में आप आए, आपने ये मुहिम दिखाई और हमारे क्षेत्र से प्रभावित हो गए, इन बच्चों ने जो है नशा और जंक फूड त्याग दिया, मैंने स्कूलों की कैंटीन भी बंद करवाई है जिसमें जो जंक फूड जो बिक रहा था, और स्थिति थोड़ी नाजुक है जी, क्योंकि बच्चे जो है दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों के लिए करता हो, बच्चे बड़े अफसर बने, पर मेरी स्थिति थोड़ी नाजुक हो है क्योंकि मेरे पास किसी तरह कोई रोज़गार नहीं है, पहले रोज़गार था वो छूट गया किसी कारण से, और अभी जो है घरवाली सिलाई करती हैं, और स्थिति बिल्कुल नाजुक है, मैं तो ये अपने कार्यक्रम करता हूँ, और मेरी सारी सेवाएं निःशुल्क हैं, किसी तरह कोई शुल्क नहीं लेता, कोई भाई 2 पैसे इसमें दे दे संस्था में तो वो संस्था में काम आएंगे, और 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक मैं बना चुका हूँ, जो कि 10वां वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है आपका सीओम सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर की देख रेख में हुआ, और इससे पहले भी 300 रिकॉर्ड मैंने अपने नाम दर्ज कर लिए हैं, जो कि अभी मतलब दर्ज होने हैं वो, क्योंकि रिकॉर्ड बनाएंगे तो उसकी फीस बहुत ज़्यादा हो जाती है सर, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हम बना रहे हैं, जैसे लिम्का बुक है, इंडिया बुक है, और सारे हैं, उनका आने जाने का खर्चा हम देते हैं, उनका जो है रिकॉर्ड की जो फीस होती है वो हम देते हैं, तो मतलब बहुत सारा खर्चा है, तो मैं सरकार प्रशासन से एक ही मांग करता हूँ भाई, अगर आपको मेरे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं और मैं देश के लिए हकीकत में सही कर रहा हूँ और मेरे से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, तो भी सरकार ने मेरे पीछे जो परिवार है, मैं तो ये कहता हूँ परिवार चलता रहे और मुझे चला लो बस, मुझे किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं है, ना मैं पैसे की भूखा हूँ ना और कुछ, थोड़ा एक रोज़गार की ज़रूरत है अभी, जिससे अपने बच्चे पढ़ जाए और इस समाज के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े, क्योंकि सारे जान के तो काम है ही जी, काफ़ी सारे स्टंट जो खतरनाक है, और कहीं अगर जो बॉडी में चोट लग जाए, कोई दिक्कत हो जाए, पैरालाइज हो जाओ, प्रॉब्लम आ जाए, तो उसका आखिर में घर में
घर को पालने वाला कोई सदस्य नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। बाकी जी जितने जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं। एक और चीज कहूंगा, मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा इनका जो है कॉन्टैक्ट अकाउंट नंबर वगैरह कुछ लगाने की जरूर प्रयास करूंगा, ताकि जो वीडियो देख रहे हैं वो भी इनकी कुछ ना कुछ सहायता करें, क्योंकि भाई एक पहलवान की डाइट बहुत ज्यादा हुआ है, खर्चे बहुत ज्यादा हुए हैं, लेकिन ये तो लगातार समाज के कार्य में लगे रहा है और कोई नौकरी नहीं है किसी प्रकार की बड़ी, तो हम जरूर कोशिश करियो किसी प्रकार की सहायता तो जरूर करनी चाहिए जो देख रहे हैं। देखिए विजेंद्र भाई, काफ़ी 20 सालों से इस काम में लगे हुए हैं, बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर सरकारी स्कूल की बजाय हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ाना चाहें तो पूरी तरह निःशुल्क इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। और हम सरकार से भी आह्वान करेंगे कि जो अपने देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, सरकार कुछ ना कुछ इनके बारे में जरूर सोचे, तो कम से कम इन्हें जागरूकता अभियान का ब्रांड अम्बेसडर नियुक्त किया जाए, ताकि देश के बच्चे इनसे काफ़ी कुछ सीखें और नशा मुक्ति से दूर रहें। धन्यवाद। आप क्या कहोगा जी? देखो जी, आँख में छोटा तिनका चला जाए तो हमें बेचैनी हो जाती है। इनने आँख से गाड़ियों खींच दिया, आँख में गड्ढे देखो अभी तक भी दिखाई दे रहे हैं, दोनों तरफ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। आँखों में इनके नमी भी है, वो नमी आपको दिखाई दे रही है कि आर्थिक स्थिति नाजुक है। हम तो सारी संस्थाएं इनको सम्मानित कर देती हैं, मंच पर इनको ब्रांड एम्बेसडर की तरह दिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन ये जब पॉसिबल हो पाएगा जब सरकार प्रशासन आगे आके इनको परमानेंट ब्रांड एम्बेसडर बनाए। नारकोटिक्स टीम का फिर से धन्यवाद देते हैं, नरेश सांगवान जी का और SI जो आए हुए हैं और यहाँ तूफान सिंह जी आए हुए हैं, तो इन्होंने तो कमाल का इन्होंने मौका दिया है और हर कदम हर समय ये तैयार मिलते हैं, क्योंकि इनका मुहिम और उनकी मुहिम दोनों की सेम है। ऐसे ही जैसे इंडिया भी कर रहा है, लेकिन सारा काम चलता है पैसे से, परिवार को भी पैसा चाहिए, कमाने वाले अकेले हैं, अगर इनको कुछ हो जाता है तो पीछे से कोई भी इनका परिवार का देख रेख करने वाला कोई नहीं है, भगवान ऐसा ना करे, लेकिन इनने जो स्टंट दिखाए हैं वो अपनी जानलेवा स्टंट है, कोई भी रिपीट ना करे, बच्चा रिपीट ना करे, स्टंट को पूरी प्रैक्टिस के बाद किया जाता है। तो ये सबसे गुजारिश है कि पहलवान जी की जितनी ज़्यादा मदद की जा सके, जितनी ज़्यादा संस्थाओं में, आपके चैनल से भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दो, आपका चैनल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर, इसको शेयर कर दें, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल भाई, शेयर जरूरी है, जरूर जो इनकी मदद करना चाहो भी जरूर इनकी मदद करियो।